Hello, my dear students. Today we are going to start your fourth chapter. So, do you know what is the name of your chapter? Your chapter name is What's Going On. What's Going On? मतलब क्या चल रहा है? क्या activity चल रही है? क्या action चल रहा है? ठीक है? तो इस chapter के अंदर हम बहुत सारे actions के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इस picture में दिखाए गए हैं आपको actions. Okay? So let's discuss about the chapter. Here is a picture. There are six children in it. Four children are playing carom. Two boys are watching the game. Two kittens are playing with a ball of wool. Two dogs are chasing the birds. Okay? तो इस पिक्चर के अंदर क्या क्या हो रहा है बच्चों? इस पिक्चर के अंदर हो रहा है four children are playing carom. तो चार बच्चे कैरम खेल रहे हैं. Two boys गेम को देख रहे हैं. ठीक है? टू बॉयज सिर्फ गेम को देख रहे हैं एंड दे आर नॉट प्लेइंग. सिर्फ चार बच्चे खेल रहे हैं एंड टू किटन्स आर प्लेइंग. हियर आर टू किटन्स, दे आर प्लेइंग विद अ बॉल ऑफ वूल. ठीक है? विद अ बॉल ऑफ वूल. डॉग्स आर चेजिंग द बर्ड्स. डॉग्स किसको चेज कर रहे हैं? डॉग्स बर्ड्स को चेज कर रहे हैं, मतलब उनके पीछे भाग रहे हैं. ये रहे बर्ड्स एंड ये रहे डॉग्स. बच्चों चेज करने का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, है ना? आर चेजिंग मतलब पीछे भागना. ओके? आर वॉचिंग मतलब देखना, वो लोग गेम को देख रहे हैं. आर प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो रही थी, क्या क्या एक्शन हो रहा था? इसमें प्ले हो रहा था, वॉच हो रहा था और चेज हो रहा था. तो हमने कितने एक्शंस के बारे में पढ़ा? थ्री एक्शंस के बारे में. ओके? नाउ वी हैव हियर फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अभी थ्री एक्शंस के बारे में पढ़ा है. अभी हम और पढ़ेंगे. हियर इज अनदर पिक्चर. हियर इज अनदर पिक्चर. द फैमिली इज गेटिंग रेडी फॉर डिनर. फादर इज कटिंग अनियंस फॉर सैलेड. मदर इज ब्रिंगिंग अ डिश. ठीक है? ये एक दूसरे पिक्चर है. इसमें क्या क्या एक्शन हो रहे हैं बच्चों? ये फैमिली क्या तैयार कर रहे हैं? ये लोग डिनर तैयार कर रहे हैं. ये डिनर के लिए तैयार कर रहे हैं. क्या क्या तैयार कर रहे हैं डिनर के लिए? फादर इज कटिंग अनियंस फॉर सैलड. फादर क्या कर रहे हैं? इस चाइल्ड के फादर अनियन कट कर रहे हैं. किसके लिए? सैलड के लिए. प्याज कट कर रहे हैं सैलड के लिए. और ममा, उसकी जो ममा है वो डिश लेकर आई हैं. ठीक है? उनके हाथ में एक डिश है. द एल्डर गर्ल इज लेइंग द प्लेट्स. द यंगर गर्ल इज वॉशिंग हर हैंड्स. ठीक है? तो ये यंगर गर्ल है और ये एल्डर गर्ल है. अब ये एल्डर गर्ल प्लेट्स को बिछा रही है. ठीक है? और जो छोटी लड़की है, जो यंगर गर्ल है, छोटी लड़की, वो अपने हैंड्स वॉश कर रही है. तो इसमें कितना एक्शन हो रहा है बच्चों? इज गेटिंग रेडी मतलब तैयार हो रहा है. पहला एक्शन ये हो रहा है. दूसरा एक्शन इज कटिंग. वो क्या कर रहे हैं? अनियंस को कट कर रहे हैं. ये भी एक एक्शन है. और मदर इज ब्रिंगिंग अ डिश. और मम्मा क्या लेकर आई हैं? मदर क्या लेकर आई हैं? डिश अपने साथ लेकर आई हैं. द एल्डर गर्ल इज लेइंग द प्लेट्स. वो एल्डर गर्ल क्या कर रही है? प्लेट्स को बिछा रही है. ठीक है? द यंगर गर्ल इज वॉशिंग हैंड्स. और जो लास्ट एक्शन है उसमें यंगर गर्ल, व्हाट इज द यंगर गर्ल डूइंग? सो द यंगर गर्ल इज वॉशिंग हर हैंड्स. ठीक है? तो यंगर गर्ल अपने हैंड्स को वॉश कर रही है. तो बच्चों हमने इसमें एक्शंस देखे. कौन कौन से एक्शंस हो रहे हैं? इज गेटिंग, है ना, रेडी हो रहे हैं. ठीक है? गेटिंग रेडी मतलब वो लोग रेडी हो रहे हैं डिनर के लिए, डिनर तैयार कर रहे हैं. इज कटिंग, कटिंग मतलब कट कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, मतलब अपनी अनियन को. एंड देन ब्रिंगिंग. ब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ लेके आना. ठीक है? तो उसकी मदर क्या लेकर आ रही है? वो उनके द्वारा भी कोई एक्शन हो रहा है ना, वो डिश लेकर आ रही है. एंड इज लेइंग मतलब बिछाना, ये भी एक एक्शन है. और इज वॉशिंग धोना. ठीक है? तो वो यंगर गर्ल अपने हैंड्स धो रही है, तो वो वॉश कर रही है. सो वी हैव डन द चैप्टर हियर. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस. लुक एट द पिक्चर, से अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट इट. ओके? सो क्या चीज आप देख रहे हो इस पिक्चर में बच्चों? चिल्ड्रन आर स्टडिंग, है ना? तो हमें कुछ पिक्चर के बारे में बताना है. पहले पिक्चर को देखना है. चिल्ड्रन आर स्टडिंग. ओके? एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
देयर आर 8 चिल्ड्रन एंड दे आर स्टडिंग. अ टीचर इज टीचिंग द चिल्ड्रन इन. कहाँ पर पढ़ा रही है वो? वो मतलब बाहर पढ़ा रही है, स्कूल में नहीं, वो बाहर पढ़ा रही है. टीचर टीचेस द चिल्ड्रन आउटसाइड. ओके. एंड देर इज अ हाउस इन, देर इज अ हाउस इन फ्रंट ऑफ ट्री. और ये क्या है यहाँ पर बच्चों? एक ट्री है. एंड आसपास क्या है यहाँ पे? आसपास का एरिया कैसा है यहाँ पर? छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, ठीक है. एंड यहाँ पर एक हाउस है. तो यही इस पिक्चर के बारे में बताना था. तो इस पिक्चर में क्या हो रहा है? बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, और आउटसाइड मतलब बाहर पढ़ा रही हैं वो, और उसके आगे एक घर है ना. तो यही है इस पिक्चर में. इस पिक्चर के बारे में हमें बस फ्यू सेंटेंसेस बताने थे. ओके. आप और भी सेंटेंसेस के अंदर से बना सकते हो. नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस. सो यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फर्स्ट पिक्चर? देयर आर. तो कितने बच्चे थे फर्स्ट पिक्चर में? तो फर्स्ट पिक्चर में कितने बच्चे थे बच्चों यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो फर्स्ट पिक्चर में 6 बच्चे थे, ठीक है. देयर आर 6 चिल्ड्रन. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग? कितने बच्चे खड़े थे बच्चों? 1, 2. चिल्ड्रन, ठीक है. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग? 2 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग, ठीक है. तो 2 बच्चे खड़े थे, अभी हमने देखा. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम? तो बच्चों कितने बच्चे कैरम खेल रहे थे? 4 चिल्ड्रन कैरम खेल रहे थे. Four children are playing carom. How many kittens and dogs are there? कितने बिल्ली के बच्चे थे और कितने dogs थे इसमें बच्चों? 2 kittens, ठीक है. 2 kittens are there and 2 dogs. There are 2 kittens and 2 dogs. Okay students. Now, what are the kittens doing? Kittens क्या कर रहे थे? Kittens क्या कर रहे थे बच्चों? 2 kittens are playing with a ball of wool. तो wool की जो ball थी उससे खेल रहे थे kittens. Okay? The kittens are playing with a ball of wool. Kitten wool की जो ball है उससे खेल रहे हैं. What are the dogs doing? Dog क्या कर रहे हैं? The dogs are chasing. किसको चेज कर रहे हैं बच्चों डॉग्स? बर्ड्स को. द बर्ड्स. ओके. सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर. आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? ईजी था, आपके चैप्टर से रिलेटेड था. ओके. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव 7th पॉइंट. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द हाउस? तो घर में बच्चों कितने लोग थे इस वाले पिक्चर में? कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4. सो देयर आर 4 पीपल इन द हाउस. ओके. 8th पॉइंट. इन द पिक्चर ऑफ फैमिली व्हाट इज द फादर डूइंग? ठीक है, फैमिली के पिक्चर में फादर क्या कर रहे हैं? ही इज कटिंग अनियंस फॉर सैलेड. ओके स्टूडेंट्स, तो वो कट कर रहे हैं अनियंस को. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. नाउ What is the mother holding in her hand? Mother ने अपने हाथ में क्या hold करके रखा है? ठीक है? So she is holding in her hand a dish. She is holding
आर डैश. हाउ इज द एल्डर गर्ल हेल्प हर मदर. तो एल्डर गर्ल अपनी मदर की हेल्प कैसे कर रही है बच्चों, तो वो शी इज लेइंग प्लेट्स. ठीक है, तो वो प्लेट्स बिछा रही है. What is the younger girl doing? अब younger girl क्या कर रही थी बच्चों? She is washing her hands. Okay, so we have finished this question here. Let's continue with next question. Let's try this. ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या करना है हमें. पिक आउट द नेम्स ऑफ गेम्स फ्रॉम द फॉलोइंग. तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रिड है, हमें उसमें से गेम्स के नेम बताने हैं. कौन से गेम्स के नेम्स है? कैरम गेम का नेम है. यस ऑफ कोर्स कैरम. बास्केट गेम का नेम है? नहीं है. क्रिकेट गेम का नेम है. ठीक है, फुटबॉल गेम का नेम है. कबड्डी गेम का नेम है. लैडर गेम का नेम नहीं है, इनकम्प्लीट है ये. ठीक है, लैडर सीढ़ी को कहते हैं वैसे. आईबॉल नहीं है गेम का नेम. चेस एंड हॉकी. ठीक है, तो ये गेम्स के नेम है. लिसन एंड रिपीट विद मी इन सेकेंड क्वेश्चन. टिन टैन डिन डैन बिट बैट बिग बैग पिग peg. Okay students, we have done the slide here. Let's continue with next slide. Now we have third question here. In the missing double letters one has been done for you. Fill in the missing double letters one has been done for you. आपको double letters को fill करना है और एक आपको यहाँ पर करके दिखाया हुआ है. जैसे kitten. ठीक है, kitten के अंदर double letter कौन सा है बच्चों? kitten के अंदर double letter T है. ठीक है, KITTEN किटन. ओके, सेकंड में विलेज. विलेज के अंदर डबल लेटर कौन सा आता है? एल. वी आई डबल एल ए जी ई विलेज. थर्ड में है बटर. ठीक है, बटर में डबल लेटर कौन सा आता है? बी यू डबल टी ई आर बटर. फोर्थ बलून. बलून के अंदर डबल लेटर कौन सा आता है बच्चों? डबल एल भी आता है और डबल ओ भी आता है. बी ए डबल एल डबल ओ एन बलून. बॉटल. ठीक है, बॉटल के अंदर डबल टी डबल लेटर है. बी ओ डबल टी एल ई बॉटल. फोर्थ वी हैव एंड दिस इज लास्ट वन पी ओ डबल टी ई आर पॉटर. ओके, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, विलेज मतलब गांव, बटर मतलब बटर आप सबको पता है बटर मक्खन, बलून गुब्बारे, बॉटल ये बोतल और पॉटर कौन होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है मतलब कुमार. ओके, सो वी हैव डन द स्लाइड हियर. लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट स्लाइड. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द बॉक्सेस. ओके, तो आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? बहुत सारे एनिमल्स हैं. और कौन कौन से एनिमल्स हैं बच्चों? हॉर्स काउज हॉर्सेस हैं, काउज हैं, डंकी है, डक्स हैं, गॉट है ना, और डॉग्स हैं, कैट्स हैं. कितने सारे एनिमल्स हैं. अब हमें बताना है कि एनिमल्स कितने कितने सारे हैं, इनकी काउंटिंग हमें बतानी है. इन द पिक्चर देयर आर फोर हॉर्सेस. कितने हॉर्सेस हैं बच्चों? फोर हॉर्सेस. वन टू थ्री फोर. ठीक है, सो देयर आर फोर हॉर्सेस. हमें बताना है कितने एनिमल ये कितने हैं, इनकी काउंटिंग्स बतानी है. देयर आर टू डक्स. वन टू टू डक्स. देयर इज अ गॉट. लेकिन बकरी सिर्फ एक ही है, यहां पर है. देयर इज अ गॉट. देयर आर थ्री काउज. कितनी काउज है बच्चों? थ्री काउज. वन टू थ्री. देयर इज अ डंकी. डंकी कितने हैं बच्चों? सिर्फ एक डंकी है. और वो कहां पे है? वो यहां पे है. देयर आर थ्री कैट्स. सो हाउ मेनी कैट्स आर देयर? थ्री कैट्स. वन टू थ्री. एंड लास्ट वी हैव देयर आर
फाइव डॉग्स. कितने डॉग्स हैं बच्चों? फाइव. कौन कौन से? वन टू थ्री फोर फाइव. देर आर फाइव डॉग्स. तो हमने इनकी काउंटिंग्स बता दी. ओके, वी आर गोइंग टू फिनिश. सो वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर हियर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड ऑल दीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.